बाइकर्स को छूट थी, क्या इसमें सभी तरह की गाड़ियों पर ऑड-इवन लागू आ रहेगा? ये अभी ऑड इवन की तैयारी के लिए कल 12 बजे बैठक बुलाई गई है, तो सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के और उसकी जो है वो रूपरेखा हम रखें। अभी ये मतलब फाइनली है कि बाइक भी इंक्लूड होगा या इसे छूट ये मिलेगा? सारा कल आप डिसाइड होगा। स्कूल्स को लेकर आपने एक बड़ी घोषणा की, हालांकि उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस इस पे सवाल उठा रहे हैं ऑड इवन की व्यवस्था पे कि क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है, क्या आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना मजबूत है कि आप ऑड इवन को सही तरीके से। देखो, भाजपा को करना तो कुछ है नहीं, केवल सवाल उठाना है। तीन सरकार दिल्ली के ऊपर नीचे आजू बाजू सब उनकी सरकार है। न यूपी में कुछ कर रहे हैं, न हरियाणा में कुछ कर रहे हैं, न केंद्र सरकार कुछ करे। केंद्र सरकार के पास एक पत्र का जवाब देने का टाइम नहीं है। सवाल उठा रहे हैं हर चीज में, कुछ भी करो सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल ही उठाते रहो। पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण फैला हुआ है और पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है और सवाल उठा रही है बस। कांग्रेस पार्टी भी ये बोल रही है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डीटीसी बसों को लेकर सवाल उठते हैं, मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए। दिल्ली के अंदर अभी तक बसें जितनी रही हैं सबसे ज्यादा बसें हैं, 7,000 से ज्यादा बसें आज दिल्ली की सड़कों पर हैं, जिसमें से 1,000 इलेक्ट्रिक बसें हैं। बाकी बसों की जो पर्यावरण बस सेवा की बात की जाती है, क्या उन्हें डिप्लॉय कर दिया गया है, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ऑड इवन के लिए? अभी जिस तरह से बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, तो अभी जो हमने रिपोर्ट ली थी, कल डिटेल और रिपोर्ट करेंगे कि कितनी राइडरशिप बढ़ी है। अगर जगह खाली है तो उसके अनुसार कल रणनीति बनाएंगे। सरकारी दफ्तरों में क्योंकि आपने 50% वर्क फ्रॉम होम में सब नहीं किया है, तो क्या सरकारी दफ्तर जहां जहां है वहां के लिए कोई शटल बस सेवा शुरू की जाएगी? और शटल बस सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। शटल बस सेवा केंद्रीय सचिवालय के लिए भी और दिल्ली सचिवालय के लिए शुरू कर दी है। और आगे चूंकि छुट्टियों का समय है, तो एक व्यू था कि चूंकि काफी लोग छुट्टी पर चले जाते हैं, तो ऐसे में कार्यालयों के संचालन के लिए और चीजों पे नजर रखी जा रही है। और जो व्हीकल पोल्यूशन सबसे ज्यादा देखा गया है, तो व्हीकल पोल्यूशन को ही कंट्रोल करने के लिए 13 तारीख से ऑड इवन का निर्णय लिया गया। एक दूसरा बड़ा निर्णय इसमें था स्कूल्स को लेकर कि 10वीं 12वीं की बोर्ड की जो उनकी परीक्षा है उनकी क्लासेज चलेंगी, बाकी क्लासेज बंद रहेंगी पूरी तरह से। हाँ, बाकी क्लासेज को बंद करने का निर्णय हुआ है। 5वीं तक तो पहले 10 तारीख तक बंद था, अब जो है 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को जो है वो बंद किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के जो है वो बच्चे चूंकि उनके बोर्ड के एग्जाम है तो वो पढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल सर, आपने हरियाणा पे पूरी तरह से, एक तरह से आपने भी और आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरियाणा पे पूरा ठीकरा फोड़ा कि हरियाणा दिल्ली के नजदीक है वहां से पराली का धुआं आ रहा है, बीजेपी ने इसे अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक पॉलिटिक्स करार दिया है कि आप एक तरह से पॉलिटिक्स पे, प्रदूषण पे पॉलिटिक्स। बीजेपी के लोगों से मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, देश में 53 डिस्ट्रिक्ट पोल्यूटेड है, उसमें से 20 हरियाणा में है, कुछ करो। डीजल की बसों को रोको, वहां पर भी पटाखों पे प्रतिबंध लगाओ, बिजली सप्लाई को बढ़ाओ, कुछ करो भाजपा वालों। केवल बयान देने से प्रदूषण कम नहीं होता। दिल्ली सरकार जितना कर रही है उतना ही यूपी हरियाणा में लागू करो। मेरा इतना निवेदन मैं बार बार कर रहा हूं। भाजपा का एक भी नेता जवाब नहीं देता कि वो कर क्या रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, हरियाणा की सरकार क्या कर रही है, यूपी की सरकार क्या कर रही है, वो क्या कर रही है नहीं बताता है। सरकार तो उनकी भी है, हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि उत्तर भारत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।